हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इन्फो जोन में। आज हम लोग बात करेंगे जीमेल अकाउंट के बारे में। हमारे कुछ साथी का कहना है कि सर, जीमेल के बारे में आप बताइए कि उससे डॉक्यूमेंट कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे या फिर कैसे भेजेंगे। तो उससे पहले हम आप लोग से ये बता दें कि जीमेल एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है हम सबके लिए, और आपके लिए भी, और हर किसी के लिए, एक नॉर्मल लोगों के लिए भी, लेकिन उस उन नॉर्मल से भी ज़्यादा आप डिसेबल पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे है ज़रा हम आपको बता दें, उस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अपना डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सुरक्षित भी रख सकते हैं और अपने साथ साथ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है और हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन होना नॉर्मल बात है, कॉमन चीज़ है। ठीक है, तो जैसे कि आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे एजुकेशन से लेकर आपकी कोई भी छोटी से छोटी सर्टिफिकेट तक जो यूज़फुल है, या फिर गवर्नमेंट यूज तक है, या फिर कहीं भी ऑफिशियल यूज तक है, या फिर कभी भी उसका ज़रूरत पड़ सकता है, तो आप उसको जीमेल अकाउंट पे सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे रखेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो के एंड तक देखें और इसका फ़ायदा उठाएं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और प्लीज़ यार, हम इसके पहले व्हाट्सएप पे एक वीडियो बनाए थे, कुछ एक दो दोस्तों का कहना है यार कि वो गलत कमेंट्स किए थे। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग गलत कमेंट्स ना करें। देखिए, आपको पसंद नहीं है, आप लाइक मत कीजिए, डिसलाइक कर दीजिए दोस्त, क्योंकि हम वीडियो अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर के कहने पर बनाते हैं और हमें लगता है कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा या फिर आप लोग के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, बेस्ट होगा, इसलिए हम बनाते हैं। तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो सपोज देखिए, यहाँ पे हम ईमेल खोल के, सॉरी, जीमेल अकाउंट हम खोले हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका, जैसे कि एक हमारा मैसेज हो गया, जैसे कि हम कहीं से डॉक्यूमेंट भिजवाएँ, हाँ, ये डॉक्यूमेंट हम कहीं पे, जहाँ पे हम स्कैन करवाए हैं अपना डॉक्यूमेंट, वहाँ से हमारा कोई ये डॉक्यूमेंट भेजा है। जैसे यहाँ पे जंगल रोमियो लिखा है, तो ये रोमियो, ये हमारा हो गया डॉक्यूमेंट। तो अब हमें इसको एक जगह रखना है, जैसे तो जीमेल अकाउंट हो गया, अब इनबॉक्स हो गया, तो इनबॉक्स में अनलिमिटेड मैसेज होता है, जहाँ जब आपको ज़रूरत हो तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इससे पहले हम सेव और सुरक्षित जगह पर कैसे रखेंगे इसके बारे में हम बता देते हैं सबसे पहले। और जी हाँ, आप जिस भी जीमेल अकाउंट पे आप अगर अपना रखते हैं डॉक्यूमेंट, तो उस जीमेल अकाउंट को अपने डायरी में एक जगह नोट करके रखें और उसका पासवर्ड भी नोट करके रखें। अगर आपको याद रह सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रह सकता है या फिर आपको लगता है कि आप भुलक्कड़ हैं या फिर हम भूल जाएंगे, कोई भूल जाएगा, तो प्लीज़ आप अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको अपने डायरी में मेंटेन करके रखें। तो ये रहा सीक्रेट बात। अब ये हमारा, जैसे ये हो गया जंगल रोमी, ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट, ये जैसे जंगल रोमी हमारा हो गया कि डॉक्यूमेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये कोई हमें भेजा है, हाँ, जैसे आप देख सकते हैं मोहम्मद खुशी, ये हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। अब हमें इसको एक जगह, मतलब इसका एक पर्सनल फाइल बनाना है, तो आपको इस कॉर्नर में दिख रहा होगा, यहाँ पे 7:30 के पास देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्टार है, इस स्टार को जो हम टच करेंगे तो देखिए ये येलो कलर का हो गया। ये टच करने का मतलब ये है कि एक सेपरेट फाइल में चला गया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जंगल रोमियो लिखा है, तो अब इसको हम यहाँ से, यहाँ पर 3 डॉट पर जाएंगे, 3 डॉट पर जाने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट, जैसे कि उधर हम स्टार्ट लगाएं तो यही यहाँ पे स्टार्ट आ गया। तो यहाँ पे स्टार्ट से हम लगा दिए, देखिए सबसे नंबर वन में जंगल रोमी आ गया। अब देखिए यहाँ पे सब मेरा डॉक्यूमेंट है, ये टोटल ए टू जेड हमारा हैंडीकैप डिसेबिलिटी से लेकर और बीटेक तक का और लोअर क्लासेस से लेकर हर तरह का हमारा हर एक डॉक्यूमेंट है। आप देख सकते हैं पूरा डॉक्यूमेंट है हमारा ए टू जेड, ये सब हमारा डॉक्यूमेंट, कम से कम इसमें हमारा 40 से 50 तक का डॉक्यूमेंट है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट ही है। अब आपको नॉर्मल चीज़ें लेके चलते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका सेंड हो गया, आउटबॉक्स हो गया, ड्रॉप हो गया, या फिर ऑल मेल हो गया, तो इसमें आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम आपको बताए हैं। जैसे देखिए, बाय मिस्टेक और कोई स्टार लग जाता है किसी वीडियो पे, तो आप इस तरह से इसको टच कर देंगे तो वहाँ से, यहाँ से इस बॉक्स से निकल जाएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल तौर पे दिखाने के लिए किए, तो जो भी आपका सीक्रेट मेल आएगा या फिर जो भी आपका इम्पोर्टेंट मेल आएगा, तो जब आप उसमें स्टार लगा देंगे, तो स्टार लगाने के बाद ये होगा कि आपका काम हो जाएगा और मतलब आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो ये है जीमेल अकाउंट का सही इस्तेमाल, और ये इसका इस्तेमाल आप लोग इसलिए कर सकते हैं, और ये बेहतर इसलिए है क्योंकि आप उतना रन करने वाले में से नहीं है, आप बाइक नहीं चलाते हैं, आप कार नहीं चलाते हैं कि दौड़ के चले जाएंगे पैदल भी, या फिर कार से या फिर मोटरसाइकिल से भी, मैक्सिमम लोग चला ही पाते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं है उनके परसेंटेज, मुश्किल से 0.055% होगा। तो ये रहा आज का नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की, मतलब और भी कन्फ्यूज़न होगा आपको इसके अलावा भी, तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको सजेस्ट करेंगे। और ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए हेल्पफुल है कि आप कहीं भी रहेंगे, अगर आपको
एन वक्त पे अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जहाँ भी आपका नज़दीकी कोई साइबर कैफ हो या फिर इंटरनेट सेक्टर हो वहाँ पे आप जाकर मतलब वहाँ से प्रिंट करा लेंगे। तो बस ये बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीमेल अकाउंट हर किसी के लिए। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप हमसे बोलिए जीमेल अकाउंट कैसे बनता है, हम आपको बता देंगे। ऐसे तो हर किसी के पास होगा लेकिन आपका अपना होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी जीमेल अकाउंट को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करें उसका आईडी और उसका अगर आईडी तो आपके मोबाइल में रहेगा लेकिन उसका पासवर्ड आपको याद रखना कंपलसरी है 100% में 100%। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो चलते चलते लाइक कर दीजिए। जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।